सिंपल सलवार की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। सलवार का मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ 38 इंच, हिप 36 इंच, बॉटम 15 इंच, फुल लंबाई 38 इंच, हिप 36 इंच, मोहरी 15 इंच। सबसे पहले हम लेंथ निकालने का फॉर्मेट देखेंगे कि फॉर्मेट है क्या। फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस नेफा टर्निंग। फुल लेंथ हमारी 38 इंच है, सीम अलाउंस आधा इंच लेके चलेंगे प्लस नेफा टर्निंग डेढ़ इंच। सिंपल सलवार में सीम अलाउंस हमें आधा इंच ही लेना होता है, क्योंकि सिर्फ हमारा आधा इंच जब हम इसके पोछे बनाते हैं उसमें जाता है, बाकी सीम अलाउंस हमें सिंपल सलवार में कहीं नहीं चाहिए होता है। 38 प्लस हाफ प्लस 1.5, ये टोटल हुआ हमारा 40 इंच। 38 जमा आधा इंच जमा डेढ़ इंच बराबर 40 इंच। जो हमारी लेंथ निकल के आई वो हमारी लेंथ निकल के आई 40 इंच। सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे, लेंथ हमारी निकल के आई 40 इंच। हमने ये लेंथ ली, लेंथ लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें पार्ट की चौड़ाई निकालनी है। पार्ट की चौड़ाई निकालने का फॉर्मेट है विड्थ ऑफ पार्ट हिप डिवाइड बाय 6। हिप को 6 से डिवाइड करने पर 6 इंच मिला। हिप हमारा 36 है, 36 को 6 से भाग करने पे 6 इंच आया। 6 इंच हमारे जो पार्ट की चौड़ाई है वो निकल करके आई। हमारी जो लेंथ लाइन है वहां से अंदर की तरफ हम 6 इंच अंदर जाएंगे, नीचे भी 6 इंच अंदर जाएंगे और एक निशान लगाएंगे 6 इंच पे। पार्ट की चौड़ाई हमारी 6 इंच निकल करके आई। लेंथ हमारी इसमें जो टोटल लेंथ होती है, क्योंकि ये सिंपल सलवार है इसमें कुछ और ऐड नहीं करना होता है, सिर्फ नेपर टर्निंग और सीम अलाउंस ही ऐड करना होता है। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक सलवार की लेंथ है और ये जो सलवार का पार्ट है उसकी चौड़ाई है, 6 इंच चौड़ाई और ये लंबाई हमारी। अब निकालना है हमें फिर तो कली, कली की जो चौड़ाई है वो निकालनी है। कली की चौड़ाई निकालने के लिए डिपेंड करता है कपड़े का अर्थ या कपड़ा कितना है हमारे पास। तो कली जो हम निकालेंगे, कली की चौड़ाई निकालने के लिए विड्थ ऑफ क्लॉथ, जितना भी हमारे पास कपड़ा है उसका सारा अर्ज रख लेंगे। जितनी हमें भारी सलवार बनानी है, हल्की बनानी है तो उसमें से हम कम कर देंगे, 2 इंच 4 इंच जो भी चौड़ाई में है वो हम कम करेंगे। अगर हमें भारी बनानी है सलवार तो उसमें हमें विड्थ ऑफ क्लॉथ, कपड़े का जितना भी चौड़ाई है जितना भी अर्ज बचा है पार्ट निकालने के बाद वो हम सारा ले लेंगे। 36 इंच का मान लो हमारा कपड़े का अर्ज है तो हमने जब डबल करके रखा तो 18 इंच आया। 42 का है तो हमारा 21 हमारा जो है अर्ज डबल करके मिला। ये हमने यहाँ पे आगे आना है विड्थ ऑफ क्लोथ, जितना भी हमने कपड़े की चौड़ाई रखनी है या जो हमारा अर्ज है डिपेंड करता है हमारा, वो हमने यहाँ पे विड्थ ऑफ क्लोथ ले लिया हाफ, कपड़े का अर्ज हाफ लिया डबल करके, क्योंकि ये हमारी जो है 4 कलियां है और ये जो पार्ट है हमारे 2 पार्ट, ये हमारी फोल्ड साइड है, यहाँ पे हमने पार्ट लिया, ये हमारी कलिया है। अब हमने ये कली की चौड़ाई ले ली है, क्रोच एरिया निकालना है। क्रोच एरिया निकालना
निकालने के लिए क्रॉस लाइन यानी कि आसन आसन निकालने का जो फॉर्मेट है हिप डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंच। हिप हमारा 36 है, 36 इंच हिप है, 36 इंच को 3 से 3 से भाग करने पर 12 इंच आया। 12 इंच में जमा 2 करना है बराबर 14 इंच। 36 को 3 से डिवाइड किया 12 इंच प्लस 2 इंच किया इज इक्वल टू 14 इंच। यहां से हम 14 इंच नीचे आएंगे और आसन का निशान लगा लेंगे क्रोच एरिया का। बॉटम है हमारी 15 इंच यानी 15 इंच। बॉटम निकालने का बॉटम यानी के मोरी बॉटम का हाफ करेंगे 15 इंच का हाफ करने पे 7.5 इंच हमारी मोरी निकल करके आई। नीचे की तरफ हम यहाँ पे जो हमारी लाइन है अंदर की तरफ जाएंगे हम 7.5 इंच। 6 इंच का हमने पार्ट लिया है, 1.5 इंच हम आगे आए तो हमारा यहाँ से यहाँ तक टोटल हो गया बॉटम का हाफ 7.5 इंच। कली हमारी जो मिली हमें वो हमें मिली 1.5 इंच की। ये जो क्रोच एरिया इसको बॉटम लाइन से हम मिलाएंगे, यहां से उठाएंगे हल्की सी शेप देते हुए और जो ये हमारी बॉटम है इस प्रकार मिला देंगे। ये हमारी 2.5 मीटर में जो है सलवार बनके तैयार हुई। आप इसको 3.5 मीटर में 4.5 मीटर में कितने में भी जितनी भारी बनाना चाहते हो उतना ही हम इसमें कली में अर्ज बढ़ता हुआ चला जाता है। मैं इसी में आपको बताऊंगी किस प्रकार से 3.5 मीटर में या 4.5 मीटर में हम बढ़ा के लेंगे। ये हमने जो क्रोच एरिया था यहाँ पे हमने आसन का हिप डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 14 इंच। अब हमें क्या करना है, ये 2.5 मीटर में तैयार हुई है, अब हम 3.5 मीटर में बनाएंगे। 3.5 मीटर में बनाने के लिए सिर्फ हमें कली में ही आगे आना है। मान लीजिए ये हमारा जो है कली का जो हमने कपड़े की चौड़ाई ली है या जो भी है 3.5 मीटर के लिए हम आगे की तरफ आए। यहां से यहां तक जितना भी हमारे 3.5 मीटर है उसमें हमने ये कली की चौड़ाई रख ली। क्रोच एरिया निकालने के लिए सेम ही फॉर्मेट आपका होगा, चाहे आप 3.5 मीटर में बना रहे हो चाहे आपको 4.5 में बना रहे हो। सिर्फ क्या होगा कि हमारी जो कलियां हैं उनकी चौड़ाई बढ़ती हुई चली जाएगी, बाकी मेजरमेंट हमारा इसी तरीके से हमें सारा लेना है, फॉर्मेट सारा यही लेना है, हमारा बॉटम वगैरह सब यही है। सिर्फ हमारी कली की जो विड्थ है वो हमारी बढ़ती हुई चली जाती है, कम ज्यादा जो भी हम जितना भी लेते हैं वो हमारा बनता हुआ चला जाता है। ये हमारी जो है यहां से यहां तक हमारी तैयार हुई 3.5 मीटर में। अब हमें 4.5 मीटर में मान लो बनानी है तो 4.5 मीटर के लिए हम और आगे कली के लिए आएंगे। यहां से यहां तक हम कली के लिए और निशान लगा लेते हैं, सिर्फ हम कली के लिए ही आगे आते हैं, बाकी सारा जो हमारा मटेरियल है सारा पार्ट बॉटम सारे हमारे मेजरमेंट के हिसाब से है, सिर्फ कली की ही हमारी चौड़ाई बढ़ती हुई जाती है। क्रोच एरिया निकालने का भी फॉर्मेट वही है, यहाँ पे हमने क्रोच एरिया का निशान लगाया, ये हमारी बॉटम है और इसको हम इस तरीके से शेप देते हुए यहां से इसको मिला देते हैं। क्रोच एरिया जो है हमारी क्रोच लाइन आसन सभी का फॉर्मेट सेम होगा, चाहे आप हल्की बना रहे हो चाहे आप भारी बना रहे हो। ये हमारी जो सिंपल सलवार है इसमें हमने आपको डिफरेंट टाइप्स के मीटर में बताया कि 3.5 मीटर 4.5 मीटर। हम बेल्टेड सलवार में भी इसी तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ बेल्टेड सलवार में क्या होता है बेल्ट और पार्ट निकाल लिया, कली वही हमारी 3.5 मीटर 4.5 मीटर जितनी भी हम हैवी सलवार बनाना चाहते हैं उसमें हमारा ये कली का अर्ज बढ़ता हुआ चला जाता है। सभी में क्रोच सेम होता है,
चाहे आपका 2.5 मीटर हो, 3.5 मीटर हो, कोई भी हो, आपकी इसी तरीके से बेल्टेड सलवार में भी आपकी कलियों की जो चौड़ाई है बढ़ती हुई चली जाती है। ये हमारी हमने सिंपल सलवार में 2.5 मीटर, 3.5 मीटर, 4.5 मीटर कपड़े में सिंपल सलवार की ड्राफ्टिंग बन के कम्प्लीट हुई। अब हम इसका लिखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है। फॉर्मेट के हिसाब से हम जब कोई भी ड्राफ्टिंग करते हैं तो जो हमारी ड्राफ्टिंग है किसी भी मेजरमेंट में आप तैयार कर सकते हो। ये यहां से यहां तक आपका, ये यहां से ये, तो हमने जो पार्ट की चौड़ाई ली हिप डिवाइड बाय 6 करके जो निकली हमारी निकल गई 36 को 6 से भाग किया 6 इंच आ गए, ये पार्ट की चौड़ाई आ गई। कली के लिए क्या है, जितना भी हमारा कपड़ा है हमने यहाँ पे 2.5 मीटर के कपड़े का अर्ज ले लिया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 3.5 का ले लिया और ये यहाँ से यहाँ तक 4.5 का ले लिया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक किसी भी अर्ज में या कितने ही मीटर में आप तैयार कर सकते हैं। ये हमारी सिंपल सलवार की ड्राफ्टिंग बनके कंप्लीट हुई।